अब जी बस इसके अंदर तेल डाल के चेक करना है, पहले उसको मेन चाबी घुमा के मोमेंट ऑफ ट्रूथ के स्टार्ट होती है कि नहीं होती, क्या लगता है हो जाएगी? हो जाएगी है? अरे कैप्टन साहब आए हुए ना, हो जाएगी। ओ लो जी कैप्टन साहब भी सुनो। This one goes to Nikit. Nikit, this is for you. For me? Yeah. Why? Yeah? Why? Because you look like a you know, teddy bear or something like that. I thought it'll say because I have a date, but okay, teddy bear. Oh, yeah. I'm not this kind of cuteness. हाँ हाँ क्या मौज है जी। बस कॉफी का मग लेके बाबूजी अपने यहाँ बालकनी में आके बैठते हैं। मम्मी भी यहीं पे सुबह चुस्कियाँ लगाती थी, शाम को इधर बारबेक्यू पकौड़े। बस नॉस्टैल्जिया सा हो रहा है, मगर असली नॉस्टैल्जिया की फीलिंग तब आएगी जब बोट पानी में उतर जाएगी। तो इसीलिए अभी उसको जो है ना मौसम आज ख़राब होने के इम्कान है, कल भी बारिश है, इसलिए फटाफट उसको हमने विंटराइज कर किया हुआ था, उसके पाइप वाइप जोड़ते हैं और कोशिश करते हैं कि वो चल जाए, क्योंकि इस साल हमने बोट का कोई स्वाद लिया ही नहीं। तो वो फीलिंग भी ज़रा आज की वीडियो में लेते हैं, मगर चैलेंज पहले यही है कि उसको यहाँ से ट्रेलर से उतार के विंटराइज से हटा के समर के लिए रेडी करके तेल पानी चेक करके पानी में उतारना है और फिर जाके कुछ काम हो पाएगा। तो आज ज़रा हम मौज लेते हैं, साथ में आपको भी मौज देते हैं। असली कैप्टन अंदर पहले लगा हुआ है काम पे। सो everything is almost connect. Okay. Only one pipes remaining. Mm-hmm. Because you know we have to when the at the end of the season we have to remove all the pipe. Now yes. I put it together, fix it. अब जी अगर आप मेरी कनाडा सीरीज़ देखते रहे हैं तो आपको ये तो पता होगा कि यहाँ पे विंटर कितनी सख्त पड़ती है। विंटर इतनी सख्त होती है कि जो सामने इतनी बड़ी झील है पूरी की पूरी ये जम जाती है, और जब ये जम सकती है तो जो पाइपें होती हैं मोटर होम में भी यही प्रॉब्लम आती है, इसके अंदर अगर कोई ऑयल पड़ा हो या फिर कोई आप लगा लीजिए पानी प्लम्बिंग के अंदर या किसी पाइप में रह गया तो पानी जम के फ्रीज होगा और सारी पाइपों के चिथड़े उड़ा देगा। इसीलिए इसको सारा जितने भी लिक्विड होते हैं वो खाली किए जाते हैं, बैटरीज को डिस्कनेक्ट किया जाता है और इस प्रोसेस को बोला जाता है विंटराइजेशन। विंटराइजेशन किसी भी व्हीकल की जो कि यूज़ ना हो विंटर्स में, मोटर होम या फिर बोट्स, उनकी करनी बड़ी एसेंशियल होती है। उसके लिए एंटी फ्रीज लिक्विड आते हैं स्पेशल जो उसकी पाइपों के अंदर भर दिए जाते हैं। अब उसको अंडू किया जा रहा है ताकि इस बोट को पानी में उतारने लायक बनाया जाए, और अभी भी कोई भरोसा नहीं है कि जाके चलेगी क्योंकि पूरा सीजन ही ख़त्म हो गया, हम बिल्कुल एंड में हैं और दो दिन ही चलानी है। हमने सोचा एक बार चला के कर लें, शायद थोड़ा इंजन ही रवा हो जाए, तो अभी उस काम पर लगे हुए हैं। बट अगर आपने ड्रोन शॉट्स में या मेरी पुरानी वीडियोज़ में देखा हो कि यहाँ पर ये जो एरिया है इस एरिया में कितने बड़े बड़े घर हैं, कॉटेजेस हैं, और उन सब के पास अपनी बोट्स हैं, और आप बोट कईयों के पास तो चलो हमने तो $2,000 की $1,500 के आसपास की सेकेंड हैंड खरीदी थी, मगर लोग यहाँ पे शौकीन बहुत हैं। कस्टमर बड़े कम टाइम के लिए आती है। हमारा सोचना ये था कि बोट जो है ज़्यादा तो चलाएंगे नहीं, सस्ती हल्की ले लो, मगर यहाँ पे सोच ही होती है कि समर बड़ी प्रेशियस चीज़ है, उसको अच्छे से इंजॉय किया जाए, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। बड़ी बड़ी बोट यॉट, यहाँ तक कि हमारे पड़ोसियों ने सी प्लेन भी ले रखे हैं, शौकी अपना इसी लेक से टेक ऑफ करते हैं, लैंड करते हैं, यही मौज मारते रहते हैं। मगर एक गौर करने लायक बात यह है कि नॉर्थ अमेरिका में ऐसे कई फॉर्चून कमाने वाले लोग वो हैं जिन्होंने टाइमली क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर लिया था, और अपने देश में भी बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग होल्डिंग क्रिप्टो करेंसी इज़ लीगल, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी इससे रिलेटेड कोई पर्टिकुलर लॉ तो बनाया नहीं है। और अगर आप चाहें तो आप भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडिया की वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट एप्स, इजी टू सेटअप, सिंपल टू यूज, कॉइन DCX यूज़ करके, और इजीली आप अपनी KYC रजिस्टर करते हैं, बैंक अकाउंट को लिंक करते हैं,
फंड डिपॉजिट एप्लीकेशन के अंदर एज लो एज रुपीज 100 से शुरू हो जाता है और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एज लो एज रुपीज 10। कॉइन DCX में आपके फंड सेफ और इंश्योर्ड रहते हैं। विड्रॉल के लिए पासवर्ड जैसे सेफ्टी फीचर है, 2FA हो गया। इसके अलावा एप्लीकेशन जो है KYC के सारे प्रोसीजर फॉलो करती है, ISO सर्टिफाइड है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप कभी भी चाहें 24/7 अपने फंड डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकते हैं। और एक स्पेशल ऑफर के तहत जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको यूज़ करते हुए आप कॉइन DCX डाउनलोड और सेटअप करते हैं और ट्रैवलिंग 100 कोड यूज़ करते हैं तो आपको 100 रुपीज़ वर्थ ऑफ क्रिप्टो करेंसी साइनअप पे ही मिल जाएगी। और आजकल इनका एक हैप्पी डेज ऑफर भी चल रहा है जिसके अंदर यू स्टैंड अ चांस ऑफ विनिंग 1 लाख वर्थ ऑफ क्रिप्टो एवरी डे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक यूज़ करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बट फिलहाल मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ ये जानने में कि इसमें टाइम कितना और लगेगा और ये हमारे पास का तो था नहीं, हमें तो बंदा बुलाना पड़ता था करने के लिए। बट गियोम को क्योंकि सारी नॉलेज है, अभी निखिल बस अंदर वॉशरूम गया, अभी आता है तो उसके बाद फाइनल टच करके इसको पानी में उतारने का बंदोबस्त कर देंगे। और अगर आपको क्रिप्टो के बारे में ज़्यादा जानकारी ना हो तो इनका एक ऑनलाइन फ्री एजुकेशनल पोर्टल भी है dcxlearn.com जहाँ पे जाके आप क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। We gonna enjoy this day. Oh yeah. Mr. Nikhil, can you climb? Yes, sir. So, this battery is powerful enough to start the engine, but okay. At the beginning of the season, if I can say, you're never sure you're gonna have enough power. So, this is why I bring my other battery for jump start. If something happens, no mess. Okay, no taking chances. This is why we bring another battery, because in the middle of the lake, you're never sure what's gonna happen. So, if you have some issue, you just put the anchor and you swim. That we don't. We don't want to go there. Yeah, this is yeah. Why I bring another battery. Yeah, and I don't want to use the chappu also to bring the boat manually. You know how to swim? You know how to swim? I know how to swim. I know how to swim. I know how to swim. I know how to save you if you're drowning also. Me, I know how to sink. Oh. So, yeah. And always bring tool for like fixing or something. Yeah, always bring tools. Yeah. Okay. Three, two, one, go. पानी के बिना रेस नहीं देनी ज़्यादा, वो डॉग। अब ये सीन ये है कि इसको डॉक में उतारने के लिए यहाँ पे जो लेक है ना, कोई भी आके यहाँ पे अपनी कश्ती उतारता था, सारी यहाँ भीड़ लग जाती थी। तो यहाँ पे सरकार ने डॉक लगा दिया कि सिर्फ जो यहाँ के रिहायशी लोग हैं जैसे कि हम थैंकफुली, तो वो लोग डॉक पे लग गया ताला, वो उसकी चाबी मिलती है म्यूनसिपैलिटी के दफ्तर से, वही इसको खोल के अपनी बोट यहाँ उतार सकते हैं या फिर सिटी को पे करेंगे। मेरे ख्याल से दिल्ली के बेस पे होता है, क्या होता है वो मुझे नहीं पता, बट क्योंकि अपने को चाबी मिल गई है सरकारी और वो चाबी लेने के लिए $200 की सिक्योरिटी रखवानी पड़ी है हमें डॉक की चाबी के लिए। हाँ, वापस करेंगे तो $200 वापस मिलेंगे। पिछले साल तो मेरे को याद है एक बार हमारे पास, हमको पता नहीं था चाबी का सीन, हमने पड़ोसी के डॉक से डाली थी। वो तो पड़ोसी बैठा था, अब तो पड़ोसी भी अपनी जगह ब्लॉक करके चला गया क्योंकि लोग पड़ोसी के यहाँ से डाली जा रहे थे। तो इसीलिए अब अपन जो
है इसको पानी में उतारते हैं और फिर जरा necessary, we gon' see. The blind lead the blind down a dead end street. I stay 10 toes down, solid like the concrete. I'm raw and rugged, I got love for the struggle. But I'm motivated by the hustle. Yeah, and hate comes with the love too. They envy the fact they can't stop you. I tell you the truth, I will not lose. अब जी ये वापस जा रही है, इसको रिवर्स में यहाँ पे लैंड करेंगे और ये वो सरकारी जगह जिसका मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे इसको बंद करके ताला लग जाता है। मिस्टर ग्यूम एक्सपर्ट है, अकेले कर पा रहे हैं, वरना हमारे बस की नहीं है ऐसे गाड़ी। हमने पिछली बार कोशिश की, हेलो पिछली बार टाइम तो दी मैंने, हाँ बड़ी मुश्किल से 10-12 अटेम्प्ट लगे रहे, बाइक कटी कटी अपना टेढ़ी मेढ़ी करके ले जाई जा रहा है। बाकी ड्रोन शॉट में तो आप देख ही रहे हैं, अब देखते हैं पानी में उतार के इसको। बस कोई छेद इतना हो गया यार, इतने टाइम इसमें चूहे वूहे उतर ना गए हो कुछ। Mr. Nikhil, can I have the rope? यार हमने भी पिछले साल कितना ओखा सोखा करके किया था, एक्सपर्ट बंदा है, उसको सब पता होता, थोड़ी सहूलियत हो जाती है, नहीं पता लग जाता है ऐसे ऐसे करना है। बाकी मेरी ड्यूटी तो आज शूटिंग की है, दोनों जवान लौटे कर रहे हैं। give me up. शादी की ब्रेक पे होगा। Alive, it's alive, you see it in my eyes. I got a hunger for more, a great appetite. Never settle for less, always set the price. बस ये रस्सी है, उसके बिना उन्हें फाइनल लगानी इनकी रह गई है, ये कर लें, उसके बाद फिर इंजन स्टार्ट करके हम लेके जाने हैं ग्यूम ट्रक में आएगा। Alright sir, I'll see you in a bit. Lordy! अभी तो जी बिल्कुल होली होली चलाई जा रही है, क्योंकि अभी थोड़ा इंजन रवा हो जाए ना एक बार को, उसके बाद बहुजी दाबेंगे पंजा, क्या कहते हो? मेरा बड़ा मन कर रहा है, मैं रुको मूवी देखो, खुजली कंट्रोल में है, थोड़ी खुजली कंट्रोल में, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अब पार्किंग के डॉग की जगह चेंज होगी, हमने ग्यूम को बोला भाई आके जरा हेल्प करा दियो लगवाने में, भाई अपना पहुंच गया वहां पे, ताकि पार्किंग में वो एक्सपर्ट है, लगा ले ढंग से ना। इनके तो काम हॉर्न निकालना, हॉर्न उनको बताना है। अरे जरा उनको बता तो दे, हम आ रहे हैं। अरे कैप्टन मजा आएगा, मजा लो। आर गुड, लिव द फीट, स्पीड अप, स्पीड अप, किल द इंजन। ओके इंजन बंद, ओए 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 ठुक ना जाए। ओके कम टू पापा, कम टू पापा, ये ओके स्पीड वाज लिटिल टू मच, नेक्स्ट टाइम वी विल बी केयरफुल। बाकी जी यहाँ पे इसको इसलिए इसको खड़ा किया है क्योंकि यहीं पे पानी गहरा है, वहाँ पे पानी उथला है, वहाँ बोट जा नहीं सकती। जी फाइनली टाइम आ गया बोट ले जाने का, हमें खाते पीते होगी थी थोड़ी लगभग शाम। मैडम आर यू फाइनली एक्साइटेड टू गो इन योर ऑन बोट? या नाउ इट्स एंजॉयमेंट टाइम, एंजॉयमेंट टाइम। सर आर यू रेडी फॉर एंजॉयमेंट टाइम, प्रैक्टिस योर बोटिंग स्किल्स? नॉट अ लॉट ऑफ सनलाइट लेफ्ट बट यस श्योर, या या या, व्हाटएवर टाइम वी हैव लेट्स क्विकली डू इट। गिगी आर यू रेडी? ओके गिगी ने अपना जो है रस्सी रस्सी अंदर फेंक दिया, धक्का मार के आएगा। ओके I'm making
अभी ये जगह मैं बार बार बताता हूँ कि यहाँ पे क्योंकि पड़ोसी का घर है तो यहाँ से निकालते हुए पतले गलियारे में से स्लो करनी पड़ती है क्योंकि जो उसकी लहरें बनती हैं वो उनके तख्ते हिला देती है, फिर लोग माइंड कर जाते हैं। अगर पता लगे कुर्सियों में बैठे हो मिस्टर निखिल फुल स्पीड निकल रहे हैं वेक बनाते हुए और अगले जो है बड़क के नीचे गिर जाए, इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैडम जो अपना फुल टाइटैनिक मोड में है। डॉन okay, now we're gonna go round and round, come back, otherwise you will fall. Gigi Vegas, it's time for round and round before it gets too dark. But are you having fun, doll? But do you think I have a spin? You have a spin? Yeah. Oh, you want to? Yeah. Oh, okay. Yeah. Hey, Captain okay, J. So the feet is all down? Yes, sir. Everybody is okay? Sit. Please secure yourself. ओके भाई गिगी ने पकड़ लिया स्टेयरिंग अपने हाथ में, पहली बार चला रहा है, हमें नहीं पता कैसे पता लग गया। हैवी ड्राइवर है अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। डोंट मेक एनी सेक्सिस्ट रिमार्क, माय वाइफ इज अ रियली गुड ड्राइवर, है ना डॉल? थैंक यू लव। शी इज लाइक या, इवन शी डिडंट बिलीव मी सेइंग दैट, शी वाज डाउटिंग दिस। या नो, इवन जेक से अबाउट ड्राइविंग अ फॉर या। सो इन द वेडिंग स्पीच जेक सेड आई फाइंड इट रियली फनी व्हेन आंटी सेंड्रा ड्राइव। सो नाउ शी ड्राइविंग अ बो, so maybe we can yeah, life jacket seriously though. <okay. laughs> I got my boat license before you. हमने सोचा जिससे अच्छी छुट्टी गया होगी, अब उम्मीद ये कर रहे हैं भाई को कहा है, वो बड़ी तरह की उसको रिश्वत दिया है कि खाना वाना सब अवेलेबल है, तू आ जा संडे को, वो आ जाए तो थोड़ा सा और फैमिली सीन अच्छा हो जाएगा। सैंड्रा के पापा अवेलेबल नहीं थे, उनको घर अपना फटाफट फिनिश करना है ताकि इंडिया का प्लान बन जाए तो वहाँ जा सके। बाकी लगे हुए हैं जी, वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।